यह दोस्तों 2 महीने पहले ही आपको पता होगा कि बाइनेंस ने अपने बीएनबी का बर्न किया था। और आपको ये भी पता होगा कि मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई है कि जो WRX टोकन्स हैं वो भी बाइनेंस के पास ही होल्ड में पड़े हैं, और इन्होंने उसका बर्न जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था कई सारे बर्न्स नहीं किए। इवन जो WZRX के वॉलेट्स हैं उनका कंट्रोल भी बाइनेंस के पास ही है, और अभी बाइनेंस अपना अगला बर्न भी करने जा रहा है जो कि बहुत ही जल्द होगा। ये 24th क्वार्टरली बर्न होने वाला है जो कि लगभग $600 मिलियन से ऊपर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बाइनेंस के बर्न के बारे में और इसी के साथ WZRX के बर्न के बारे में, क्योंकि WZRX का मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि शायद बर्न या तो हो रहा है या चल रहा है, या फिर ये बाद में अनाउंस करेंगे या एकदम से न्यूज़ भी आ सकती है। क्योंकि WZRX का जो WRX है इसके प्राइस में हमें बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ सडन पम्प्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 40% से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल चुका है, कल के दिन की बात करें तो 30% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिला था। तो आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और आपको अपडेट्स मिलने वाली हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं। जैसे कि आपको XRP के बारे में, WRX के बारे में सबसे पहले वही बताया गया था। तो आज अगर हम बात करें BNB की, तो BNB का 23rd बर्न हो चुका था 4th महीने में। अभी अपना ये 3rd क्वार्टर का बर्न करने वाले हैं, 3rd क्वार्टर शुरू हो चुका है तो 7वां महीना ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो 8वें महीने के अंदर ये बर्न करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये अगस्त के अंदर बर्न कर देंगे, जिससे BNB की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बर्न जो अमाउंट होने वाला है वो बहुत ही बड़ा है। 1.99 मिलियन BNB टोकन्स को बर्न किया जाएगा 24th क्वार्टरली बर्न में, और अभी ऑलरेडी ये टोटल जो बर्न कर चुके हैं $44 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, जो कि BNB में काउंट करें तो 1,83,000 से भी ज़्यादा BNBs बनते हैं जो इन्होंने बर्न किए हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, B=N1000/P+K, ये क्वार्टरली का ऑटो बर्न इन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑटो बर्न है, ऑटो बर्न नाम है, ये WZRX के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही लागू किया गया था, लेकिन कभी भी WZRX का बर्न उसके बाद हुआ ही नहीं है। 3rd क्वार्टरली बर्न की बात करें तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा BNBs को बर्न किया जाएगा, जिनकी वैल्यू आज के हिसाब से देखें $245 के हिसाब से $500 मिलियन से भी ऊपर अमाउंट होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और अगर हम इनको अगस्त की बात करें तो अगस्त में जो प्राइस अगर बढ़ जाता है 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, तो ये और भी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। यानी कि इन्होंने अपना जो बर्न है कभी भी रोका नहीं है, हमेशा ये बर्न करते रहे हैं। इसी के साथ रियल टाइम बर्न भी होता रहता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस के हिसाब से यहाँ पे गैस के नाम पे बहुत सारे बर्न्स होते रहते हैं, तो BNB हमेशा बर्न के मैकेनिज्म पर चलता रहते हैं। अगर हम WRX की बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी थी कि ये जो वॉलेट्स हैं ये सारे के सारे बाइनेंस के पास है, और बाइनेंस का कंट्रोल भी इनके ऊपर है, और इनके जो पेंडिंग बर्न्स है उसमें आता है January 2022 से लेकर March 2022 तक का 8वां बर्न, फिर 9वां बर्न है जो कि अप्रैल से लेकर June 2022 तक है, फिर 10वां बर्न है जुलाई से लेकर September 2022 तक, 11वां बर्न है अक्टूबर से लेकर December 2022, और 12वां बर्न जो बनता है जनवरी से मार्च तक 2023 का। तो 12वें के बाद मेरे हिसाब से अभी एक 13वां भी पेंडिंग है, 14वां भी पेंडिंग है, यानी कि कितने ज़्यादा बर्न्स पेंडिंग है। यहाँ पे टोटल बन जाते हैं पिछले 7 बर्न और इस क्वार्टर का मिला के 8 बर्न्स, यानी कि 7-8 बर्न्स हैं जो कि अभी बर्न होने बाकी हैं, और इसमें अमाउंट भी बहुत ही बड़ा है। इससे पहले ये 47 करोड़ रुपए के WRX के बर्न कर चुके हैं, जो 9.6 मिलियन WRX बनते थे, यानी कि इतनी बड़ी पोटेंशियल थी WZRX में, इतने ज़्यादा बर्न्स किए गए थे इससे पहले। और अगर ये अपने बर्न्स को कंटिन्यू रखते तो आज WRX की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर होनी थी। करंटली इसकी वैल्यू 0.1315 के आसपास चल रही है, यानी कि लगभग 15 सेंट के आसपास चल रही है, जो कि रुपीस में बनती है लगभग 12-13 रुपए के आसपास। और आपको याद होगा कि ये 12-13 रुपए वाला कॉइन कोई ऐसा टाइम भी था जब ये 90 और 100 के बीच में रहता था, यानी कि हमेशा इसकी वैल्यू 90 और 100 रुपए के आसपास रहती थी। अगर पंप पाता था तो 150-200 रुपए तक भी जाता था, लेकिन अगर नीचे आता था तो 100 के आसपास हमेशा रहता था। अभी इसकी क्या है कि जो वॉल्यूम है, WZRX के पास वॉल्यूम ही नहीं है, ये चीज़ आप नोटिस करना। बाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि $29 मिलियन की बाइनेंस के पास है, बिट्रू के पास $11 मिलियन। इसके बाद बाइनेंस के पास जो BUSD में पेयर है उसमें $4.2 मिलियन बिटकॉइवा। अब ये जो एक्सचेंज है ये हमारे तमिलनाडु की एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज है, इसके पास $1.5 मिलियन के WRX का वॉल्यूम चल रहा है, अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है। WZRX की बात करें तो
$5,00,000 के आसपास चल रहा है, जो कि $1,000,000 भी नहीं है, आधा मिलियन बोल सकते हैं, यानी कि आधा मिलियन डॉलर का जो WRX INR के पेयर के हिसाब से है वॉल्यूम, वो अभी WZRX के पास है। और USDT में इनके पास सिर्फ $15,000 ही है, बाकी जो है वो $500-$700 के आसपास इतने बनते हैं अगर हम बाकी पेयर्स की बात करें, XRP WRX, TRX WRX, BNB WRX, WRX BTC, तो इस तरह के जो पेयर्स हैं वो बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस एक्सचेंज का ये कॉइन है उसके पास ही वॉल्यूम नहीं है, बाइनेंस के पास पूरा का पूरा वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम बिट्रू के पास है, उससे ज़्यादा बिटकॉइवा के पास है, लेकिन WZRX के पास बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, और जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके पास सप्लाई है, लेकिन सप्लाई का कंट्रोल नहीं है इनके पास, ना होने की वजह से ये बर्न भी नहीं कर पाए। लेकिन हमें जो रेगुलर बेसिस पर छोटे छोटे पंप देखने को मिलते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका बर्न भी आएगा, और बर्न के साथ साथ कुछ ना कुछ WZRX की नई अपडेट्स या अपग्रेड्स चल रहे होंगे जो हमें जल्दी सामने देखने को मिल सकते हैं। हमारे इंडिया में ये हालात नहीं होने थे अगर यहाँ पे इतना टैक्स ना होता, लेकिन जो 30% का टैक्स है, 1% का TDS है, यही कारण है कि WZRX को बहुत लोगों ने छोड़ा, इंडियन एक्सचेंजेस को बहुत लोगों ने छोड़ा, और स्लोली वो बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ जो G20 का मीट हुआ, इसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है FSB, उन्होंने कहा है कि और भी ज़्यादा टफ रूल्स लाने चाहिए क्रिप्टो क्लाइंट्स के लिए, क्रिप्टो एसेट्स को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जिससे बाइनेंस के ऊपर, कॉइन बेस के ऊपर, ऐसी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर और भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि ये उनमें से एक रीज़न है कि क्यों मार्केट में अभी BTC का वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। एक्चुअल में अभी इंडिया के पास इसकी प्रेजिडेंसी है, जिस कारण इंडिया हमेशा बुरे रूल ही देने वाला है, बुरे ही चीज़ें बताने वाला है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे ही जाएगी, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो नीचे ही जाने वाला है। वही अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के लीडर सामने आते हैं, अगर उनका कंट्रीब्यूशन मांगा जाता है, तो फॉर श्योर अच्छी रेगुलेशंस आएंगी और टैक्सेस को डेफिनेटली कम भी किया जाएगा। अभी वैसे हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि इंडियन एक्सचेंजेस को थोड़ा सपोर्ट मिले, और इसी के साथ WRX को वापस किसी न किसी तरीके से मार्केट में लाया जाए, यानी कि WRX वापस उसी रेट पर पहुँचेगा और इसके बर्न भी प्रॉपर होंगे अगर बाइनेंस इसका साथ देता है। तो आपको कोई और डाउट है WRX के बारे में, WZRX के बारे में, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।